हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। पिछली बार मैंने एक क्लास में अपनी एक्टिविटी कराई थी और कुछ लोगों को भेजी। लोगों को भी पसंद आई और बच्चों को भी पसंद आई। लेकिन किसी का फोन आया कि सर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा डिटेल वे में। और एक और सजेशन आया कि कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी होते हैं तो उनके लिए भी। सो मैं आज आप लोगों को कुछ देने वाला हूं। देखो, जो आप देखना चाहते हो वो यहां देखिए, ये नंबर्स हैं। यहां पर हिंदी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लेके ये पूरा 100 तक हैं, 100 तक। और जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि 57 कितना, 58 कितना, तब हम पहाड़े भी नहीं याद कर सकते। और जब पहाड़े नहीं याद कर सकते तो मैं फोर्थ फिफ्थ का कंटेंट दिखाता हूं, सिलेबस। अगर हमें संख्याओं की पहचान नहीं है तो कक्षा 4 के सिलेबस में संख्याएं हैं। पहले संख्याओं की तुलना, घटाना, गुणा, भाग। क्या हम गुणा भाग कर सकते हैं अगर हमें पहाड़े नहीं आएंगे? क्या हम अपवर्त्य अपवर्तक, लघुत्तम महत्तम, भिन्न, भिन्नों का जोड़ घटा, दशमलव, गुणा, जोड़ घटा, दशमलव, दशमलव का प्रयोग, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कक्षा 5 का अगर देखें, संख्याएं हैं, फिर गुणा हैं। क्या हम गुणा कर पाएंगे अगर हमें पहाड़े नहीं आएंगे? पहाड़े तब तक नहीं आएंगे जब तक 2 अंकों की संख्या नहीं आएगी। मैसे लैसे, भिन्नों का गुणा, दशमलव, प्रतिशत, ब्याज, क्षेत्रफल, आयतन, धारिता, कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी जब तक हमें संख्याएं नहीं पता चलती तब तक कुछ भी होना बड़ा कठिन है। और संख्याएं हैं कितनी? ये इतनी सारी। लेकिन इसका एक शॉर्टकट मेथड आपको मैं बताता हूं। देखो, इसे आप देखिए, ये है हमारी संख्याएं। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। केवल मैंने क्या किया है कि जो संख्याएं हैं वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 वो यहां आती हैं। लेकिन मैंने इनको ऊपर लिया है, इसका भी एक पर्पज है। बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 की पहचान होती है। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की पहचान होती है। मतलब ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें गिनती तो आती है लेकिन इन सब की पहचान नहीं होती। अगर कहो 56 ढूंढ दो तो उन्हें नहीं पता 56 कितना होता है, कितने ढाई का ही होता है ये नहीं पता। जो पुराना तरीका चला आ रहा है वो यही है कि 60 6 56 या 6 ढाई 5 इकाई 65 65 5 ढाई 6 इकाई 56 6 56। लेकिन इसमें एक बहुत आसान तरीका है जो मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए आप, प्लीज इस चीज को ध्यान से देखिए कि इसमें ये जो लाइन है, इसमें जो वंस प्लेस पे है, वंस डिजिट यानी इकाई, वो देखिए एक है सब में। यहां तक इकाई का अंक एक, ई से इकाई, और तो इन सब का जो प्रोनंसिएशन है वो ई से ही होगा एक्सेप्ट दीज टू, इन दोनों का। असल में इनमें 11 और 16 को छोड़ के बाकी सब देखिए आप, ई से 21 31 41 टाइम लगेगा, कंफर्म टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन शायद जो हम ज्यादा समय बच्चों के साथ लगाते हैं उसका ये टाइम 100वां भाग होगा या उससे भी छोटा भाग होगा। ई से 21 31 41 51 61 71 81 91, ई फॉर, ई मीन्स इकाई, इकाई का अंक एक। बा से 12 22 32 42 52 62 82 92। बच्चों को बताया जा सकता है बा का मतलब बेटे 2, टेबल, टेबल का मतलब जब मेज समझ सकते हैं, डॉग का मतलब कुत्ता समझ सकते हैं, तो बा का मतलब कुछ दिन या हफ्ता भर बताने पे वो समझ सकते हैं। बा मीन्स 2, ता मीन्स 3। जो भी इस लाइन में संख्याएं आ रही हैं वो ता से शुरू होती हैं। और एक और सिमेट्री है, सबका इकाई का अंक 3 है। ये देखिए 3 3 3 3 3 3 4 से 4
14 24 34 44 54 64 74 84 सब 84। चा का मतलब इकाई का अंक 4, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ऐसी पासे 5 15 25 35 सब पासे शुरू हुई ये संख्याएं। आप इसे भी कहेंगे 75 85 95। इट मींस इकाई का अंक सब में, ये देखिए सब में इकाई का अंक क्या है 5, पासे 5, 6 से 6 इकाई का। अब आप कहेंगे ये यार ये क्यों हटा दिया 16 और 11, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, मुझे भी नहीं मालूम ये क्यों हैं, बट ये अपना रूल इसको फॉलो नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते आई डोंट नो। 6 से 6 26 36 46 56 66 76 86 96 इकाई का अंक 6 से 6। ऐसे ही 7 से इकाई का अंक जितने भी हैं 87 97 तक, 7 से शुरू करके इकाई का अंक 7 से 7। अ से 8, ये देखिए सारे 88 98 शुरू करके 8 से। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका एक अलग रूल है छोटा सा, इसलिए मैंने ये रेड कलर से दिखाया। अभी हम बात करेंगे यहां से ऊपर ऊपर की, तो इसमें बहुत आसान है, कोई भी संख्या यहां से शुरू होती है यहां पे खत्म होती है, यहां से शुरू होती है यहां पे खत्म होती है। कुछ एग्जांपल लिए हैं मैंने, वो एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूं। ये एक संख्या है 32, बच्चों को नहीं पता होता, कुछ को तो पता होता है, ये केवल संघर्षशील बच्चे हैं उनके लिए है, जो आपके निपुण बच्चे हैं उनके लिए कोई जरूरी नहीं है ये, और जो मीडियम है उनके लिए भी कोई जरूरत नहीं है, जो संघर्षशील है उनके लिए है। बच्चों को केवल थोड़ा सा अभ्यास डलवाना है, ये मैं अभी इससे आपको करके दिखाता हूं। जैसे 32, देखिए पहला अंक बासे पहला अंक क्या होगा आप बताइए, इसमें बासे होगा 2, तो 32 बासे 2 और 30 लास्ट में प्रोनंसिएशन आ रहा है, देखिए 30, 30 से दहाई का अंक क्या होगा 3, तो ये 32 हो गया। 98, अ से इकाई का अंक क्या होगा 8 और 90 से दहाई का अंक क्या होगा 9, क्योंकि लास्ट यहां पे हो रहा है 90 में दहाई का अंक वही है जो इन सब में, देखिए इन सब में दहाई का अंक सेम है, इन सब में दहाई का अंक सेम है। अगर मैं कहता हूं 80 तो 81, सब में 80 80 की आवाज आएगी, 82 83 84 सब में 80 की आवाज आ रही है, ऐसे ही तर की आवाज आएगी, देखिए जो 70 में आ रही है ना वही सब 71 72 73 74 यहां की 78 तक सब में तर की आवाज, 60 की आवाज इन सब में 61 62 63 64 सब में दहाई का अंक क्या है 6। ऐसे ही इसमें अन की आवाज आएगी 51 52 53 54 सब में अन की आवाज आती है, दहाई का अंक 5। ऐसे ही 40, ये तो सिंपल है 41 42 सब में 40 40 की आवाज आएगी, यहां तक कि 48 तक तो दहाई का अंक 4, दहाई का अंक 30 पे अगर आज आवाज आती है तो 30 में दहाई का अंक 3 लेना है, ईस दो ही एक तरह के हैं 30 और ईस, ईस में दहाई का अंक 2, तो 30 में बच्चा समझ जाता है 30 में दहाई का अंक 3। 40 वो कहेगा 40 बोला है तो पूछो दहाई का अंक क्या है इसमें 4। अच्छा 60 59 61 62 में उसे पूछो लास्ट किस में हो रहा है, वो कहेगा 60 में 62, बासे यहां से शुरू हुए और 60 पे खत्म हो जाएंगे, ये देखिए यहां पे 60 से दहाई का अंक, बासे इकाई का अंक, ये आ गया आपके सामने। तो बच्चों को थोड़ी ऐसे प्रैक्टिस करानी है। अब 43, तैसे बच्चे से पूछिए तैसे क्या है, तैसे 3, तो तैसे 3 और 40 से दहाई का अंक क्या होगा 4। इसी तरह से 54, 4 से 4 और अन से जहां भी अन आए तो बच्चों को बता दे। असल में हमें लगता है कि भाई बच्चे कैसे सीखेंगे, अरे एक हफ्ते अभ्यास डलवा दो, जो हम टाइम जो महीने लगाते हैं उसके कंपैरिजन में ये शायद 100वें भाग से भी छोटा है। 65 पैसे कोई कहे पैसे 5 और 60 से दहाई का अंक 6 हो गया जी 65। 76 6 से दहाई का इकाई का अंक, मतलब हर जो ये है संख्या वो इकाई के अंक से शुरू होती है और दहाई के अंक में खत्म होती है। 6 से 6 तर, बच्चे एकदम बताएंगे सर 70, तो उनसे पूछो 70 में दहाई का अंक क्या है, कहेंगे 7 हो गया 76। 87
स से इकाई का अंक क्या होगा? सात। और आसी से, ये हर एक में आता है आसी, आसी से दहाई का अंक कहेंगे जी अस्सी वाला आठ, आठ होगा। ऐसे ही इक्कीस, अब ई से इकाई का अंक एक, ईस, ईस का मतलब वो कहेंगे तुरंत अजी बीस कह रहे हो आप, तो बीस में पूछो दहाई का अंक कितना, दो। तो इस तरह से हम इस मेथड से ये सारी संख्याएं बच्चों को समझा सकते हैं। तो यही बताना था, इसमें 10-11 मिनट की वीडियो बन गई, लेकिन तो आई होप सबको अच्छी लगी होगी और काम की भी होगी। हमें लगता है हमारे काम की नहीं है, हमारे बच्चों को तो आता है, पर जिन्हें बच्चों को आप जानते हैं क्या सभी बच्चों को आता है? कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो अभी आता है पर अगले साल जिन्हें दिक्कत आए, पिछले साल निकले हों, हमारे किसी साथी के स्कूल में ऐसे बच्चे हों। तो ये बड़ा अच्छा मेथड है, हम सब लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बेस्ट मेथड है, पर जो हमारे प्रैक्टिस्ड मेथड्स हैं उनमें से एक बड़ा अच्छा मेथड है। ये वीडियो तो यही है दो अंकों के बारे में। अगली मैं वीडियो आपको भेजता हूँ जिसमें कि करोड़ तक के अंक हैं, और करोड़ तक के अंक सुनते ही बच्चा जो है बिछड़ जाता है। कहता है दो अंक का करने में, दो अंकों की संख्या याद करने में तो साल चला जाता है, दो साल। बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को नहीं पता चलता 59, 71, 72 कितना होता है। अच्छा हाँ, एक चीज रह गई, जो उन है उनका मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर कोई किसी को जरूरी लगेगा तो मैं उसके पास भेज दूंगा। उनका मतलब होता है एक कम, मैं दिखा देता हूं बेटा, दिखाना। 59 बच्चों से कहना उनका मतलब जहां भी उन आएगा वहां एक कम, 60 का मतलब 60, 60 से एक कम, तो 60 में से एक घटा दो, तो घटाएगा तो यहां पे आ जाएगा 5, 9। या तो ये, या बच्चा दूसरा तरीका अपनाता है, कुछ बच्चों को गलत तरीके से याद रहता है प्रोनंसिएशन को देख के, वो कहता है 59 को वो हमेशा ये कहेगा 60, 9, 59। ऐसे ही अगर हम कहेंगे 69, 69 तो एकदम तुरंत छूटते ही कहेगा 70, 9, 69। तो उनसे कहना बेटा कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल ठीक हो, यू आर राइट, इतना कर लो इस दहाई के अंक को आप एक कम कर दो, यानी 6, 9 ना करके 5, 9 कर दो, हो गया 5, 9, 69। 69 अगर कहे, अगर उसे इस तरह याद है 69 में, आप उससे कह दो बेटा 7, 9 ना करके एक कम कर दो, दहाई का अंक हो गया 6, 9। ऐसे ही उन जिनमें आए उनमें से दहाई का अंक या तो ऐसे कम कर दो, या दूसरा मेथड 69 यानी 70 में से एक कम, तो ये 6, 9। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों तरह से बच्चा कर सकता है। धन्यवाद। अब आप देख ही चुके होंगे कि ज्यादातर बच्चे सीख जाएंगे, आई प्रैक्टिस दिस मेनी टाइम्स इन माई क्लासेस एंड आई गॉट सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।